हमारी अच्छी तैयारी करवा दी थी सर ने, और अभी हम टेस्ट देने के लिए सेंटर के बाहर ही खड़े थे, तो मैम उन्होंने पोस्टर लगा दिया कि पोस्टपोन हो। तो हमने पूछा क्या रीज़न है, वो बोले कि फौज में कोई रीज़न नहीं होता भाई, सिर्फ ऑर्डर होता है। तो मैम हम क्या करें, हमारा इतना किराया लगा है, सर ने भी हमारे ऊपर इतनी मेहनत की थी, हमने पूरा अच्छे से तैयार किया था हमारे पैटर्न के हिसाब से, तो मैम हम क्या करें। कैसे फैमिली से बिलोंग करते हो? मैम गरीब परिवार है, इतना खर्चा हुआ, 5,000 पीछे लगे थे, पहले भी गए मैम और अब भी गए हैं, आना जाना मैम ट्रेन में कितनी दिक्कत आती है, कुछ खाना अच्छा नहीं मिलता, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? यस मैम। कितने दिन हो गए हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने फिजिकल किया हुआ इससे पहले? यस मैम। अभी अभी आगे का डेट बताइए, अभी तक कोई डेट नहीं? नो मैम, ये बोले कि कोई डेट नहीं है, जैसे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अब ये नहीं पता मैम कितने दिन और हमें प्रॉब्लम फेस करनी है। जी मैम, ये सबसे पहले तो जो अपने भिवानी भर्ती और हिसार भर्ती के बच्चे थे, इनकी टेस्ट की डेट फाइनल हो चुकी थी जो 25 तारीख को होनी थी, तो वहाँ पे जाने के बाद में उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और उसके बाद में अभी 20 अगस्त से हमारी रोहतक की भर्ती की भी डेट डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन अभी रीजन कोई नहीं दिया है सरकार ने और इसको भी पोस्टपोन कर दिया है, और पता नहीं आगे कब होगी। इसमें देखा जा रहा है कि मोस्टली यही सारा करेंगे कि कोरोना आने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि मैम कि कोरोना कोई डेट बता के आएगा या कोई जगह बता के आएगा। अगर कोरोना आना है तो वो पूरे इंडिया में एक साथ आएगा। ये अपने अभी पीछे एयरफोर्स के भी टेस्ट हुए हैं, दिल्ली पुलिस का भी टेस्ट लिया है इन्होंने, और इससे पहले CHSL का भी टेस्ट लिया था, इससे पहले इन्होंने इलेक्शन भी किए हैं, इन्होंने रैलियाँ भी किए, उस टाइम पे तो कोरोना का पूरा असर था अपने इंडिया के ऊपर, लेकिन अभी इतना असर ना दिखते हुए हमारे रोहतक भर्ती के ऊपर या हरियाणा के ऊपर ये बार बार पोस्टपोन कर असर दिखा रहे कोरोना का, तो ये मुझे कोई पुख्ता इनका ठोस कदम नहीं लग रहा मैम। अभी कारण जो है बताया नहीं, यही बार बार यही चीजें बोल रहे कि कोरोना की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से। नहीं, एक्चुअल में यहाँ अपनी रोहतक भर्ती पे तो मौसम का कोई असर होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी भर्ती यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम में सिंथेटिक पे होती है, बारिश में भी सरकार अपनी आर्मी बच्चों के फिजिकल ले सकती है। और रही बात बीमारी की, तो मैम अभी एक इन्होंने बताया कि भाई बीमारी आने वाली है, 3-4 महीने बाद आने वाली है, तो अभी फिलहाल कोई बीमारी नहीं थी, तो मेरे ख्याल में इन्होंने फिजिकल ले लेने चाहिए थे, ताकि बच्चों ये जो बच्चे मेहनत करते हैं थोड़ी बेरोजगारी हटे, और ये भी कुछ इनके अरमान है देश के लिए कुछ करने के, देश की सेवा करने के, तो ये भी अपने जगह पे पहुंच जाए, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए इनका। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है, लेटर में लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वही बच्चे आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैम इसका भी कोई हम नहीं मान सकते कि जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हीं बच्चों को आगे भी चांस मिल जाएगा। अगर पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए थे इन्होंने, तो उन बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रखी थी, उनकी एज बची हुई थी, लेकिन एज बचने के बाद में भी फिर दोबारा इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए, जिन बच्चों की उस डेट से एज निकल चुकी थी उनको आउट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, किसी ने उन बच्चों की मेहनत के ऊपर नहीं देखा, उनके खर्च के ऊपर नहीं देखा, उनके घर परिवार के ऊपर नहीं देखा। पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पे भी इंस्टीट्यूट में तैयारी करने गया हुआ है, मलिक अकेडमी में तैयारी करने गया हुआ है, बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, उनकी काफ़ी उम्मीद थी, घर संभल जाएगा आगे, हमारे जो बच्चा है उसका अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, देश की रक्षा करेगा, लेकिन एज निकलने के कारण उनके अरमानों के ऊपर पानी फिर गया, ऊपर से भाई बारिश का टाइम चल रहा था, बारिश फसलों को खराब कर रही है, उधर से सरकार इनको नुकसान कर रही है, तो कम से कम सरकार को तो इनके बारे में सोचना चाहिए। फैमिली का इतना बैकअप नहीं है जिससे हमें दोबारा तैयारी कर सकें। अभी मैंने इंटरेस्ट पर लेगा ब्याज भर के लिए, तो भी यहाँ से मैंने तैयारी करने के लिए आया, अब ब्याज भी देना है, अब उसका मूल प्रिंसिपल भी देना, वो भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, तो हमारा जल्दी से जल्दी उसका टेस्ट लिया जाए या रैली वो किया जाए। क्या मैं मानता हूँ कोरोना है, पर अगर हरियाणा में ही कोरोना है तो साइड भी गए हो सकता है, दिल्ली में भी रैली हो रही है, जैसे हमारा इलेक्शन चल रहा है पश्चिम बंगाल में, उस टाइम में कितना कोरोना था, जब भी हमारे लिए अगर मंत्री रैली कर सकते हैं तो क्या भर्ती करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है सरकार को, जिससे हमारी बेरोजगारी भी खत्म होती है, हमारा अगर युवा के पेट ही नहीं भरेगा तो वैसे कोरोना से नहीं मरेगा तो बेरोजगारी से मर जाएगा, तो इससे सरकार से रिक्वेस्ट है मेरी, तो इसे भर्ती जल्दी से जल्दी की जाए, और ताकि युवा डिमोबलाइज ना हो, मेंटली हरासमेंट ना हो, और इसके साथ साथ फिजिकली भी होता है, और परिवार की भी इतनी उम्मीद होती है कुछ ना कुछ किया जाएगा,
तो अगर ऐसे चलता रहा तो बच्चा लास्ट में क्या करेगा, या तो दिहाड़ी मजदूरी करेगा। अगर एक गरीब परिवार का बच्चा कोशिश कर रहा है कि मैं लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास में चला जाऊँ, तो अगर उसे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो वहीं की वहीं रह जाएगा, हमारा देश विकास नहीं करेगा। मैम सरकार से अपील यही करना चाहूँगा कि इन बच्चों की मेहनत की तरफ देखें, इनके डेली रूटीन के ऊपर, खर्च के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर देखें और इनको जल्दी से जल्दी मौका दें कि ये कहीं पे भी अपना भर्ती अटेंड करें और देश की सेवा करें। जी बिल्कुल, जो मेन कारण है वो सबसे एक बड़ा हो जाता है कि बच्चों की उम्र निकल रही है, ऐसे में बच्चे क्या करें। हालांकि अभी वाले जो लेटर आया है उसमें रजिस्ट्रेशन का बता दिया है कि जिन बच्चों का हो चुका है वही बच्चे आगे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन सर ने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन पहले जो बच्चे थे उनको नहीं आगे पार्टिसिपेट करने दिया, उनको नहीं आगे एंट्री मिली, तो ऐसे में काफ़ी बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं है, गरीब परिवार से हैं, 10 दिन पहले, 2 साल हो गए हैं बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए, 10 या 15 दिन उन्हें पहले बताया जा रहा है कि उनकी डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है, अब बच्चे क्या करें आगे, आगे की डेट क्या होगी वो भी हम आप तक बताएंगे जब भी हमें पता चलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, नमस्कार।